वेलकम, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में और डीजे सीरीज के इस पांचवे वीडियो में। अभी तक हमने ये इशू के बारे में बहुत सारा हमने आपको जानकारी दिया। आज हम आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो पूरे बाइबल चीख चीख कर कहता है, लेकिन इन बातों से हम अनजान हैं और हम इन बातों को हमें कोई ठीक से हम जानकारी नहीं मिल पाता है। उससे पहले एक छोटा सा हमारा इंग्लिश वीडियो जो है इन कैप्शन के साथ आता है, इसलिए आप हमारे कैप्शन का भी लाभ उठाएं, कैप्शन का फीचर का। और कैप्शन का मतलब होता है कि हम जो है उस वीडियो को मैथिली, पंजाबी, उर्दू, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मन सब में लिखा हुआ आएगा। अगर आपको उसका फीचर उठाना है तो इंग्लिश वीडियो को, मेरा आवाज़ को आप म्यूट करके इंग्लिश वीडियो, हर एक इंग्लिश वीडियो में कैप्शन हम लगाए हुए हैं और आप देखें। तो आइए हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, सबूत और घोषणा, या जी इशु के बारे में। यानी ये हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल जो है बहुत सारा जो है इशू के प्रूफ, यानी कि हम लोग अभी बहुत सारे प्रूफ को देखेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। बहुत सारा ये सबूत है बाइबल में, ठीक है। और सबूत के साथ साथ हम लोग देखेंगे यीशु मसीह का स्वयं घोषणा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कहाँ लिखा है बाइबल में कि यीशु ने परमेश्वर कहा, आज उन सबों को एक तगड़ा जवाब मिलेगा। आप हमारे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और आज समझे, और ये जो हम बताएंगे आपको सारा, आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला, चलिए हम लोग जो परमेश्वर ने सबूत दिया, सबसे पहला हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने सबूत दिया यीशु के बारे में। ये आइए हम देखते हैं मत्ती 3:16-17 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, देखो आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर की आत्मा कबूतर के नए उतरते देखा और यह भविष्यवाणी हो। यानी परमेश्वर उस अदृश्य परमेश्वर ने भविष्य आकाशवाणी की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि उस अदृश परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी, ये सबूत दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र कहने का मतलब वो शरीर में आए थे, इसलिए वो पुत्र हैं और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था। देखिए परमेश्वर सर्वज्ञ है, एक ही समय सब जगह रह सकते हैं, इसलिए कोई ये ना कहे वो शरीर में वो अंदर थे तो ऊपर में कैसे, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। देखिए मरकुस 9:7 में, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और बादल से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है उसके सुनो, हालेलुया। यानी कि बादल से आवाज़ आया, यानी परमेश्वर ने बोला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। और अभी यह पूरी मानव जाति के लिए है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है यीशु मसीह की सुनो। परमेश्वर यहोवा ने यह सबूत दिया है, और भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। मत्ती 12:18 में भी हम देख सकते हैं कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरे प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, और मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों के को न्याय का समाचार देगा।
ठीक है, यानी कि ये परमेश्वर ये यहोवा जो है करे या मेरा सेवक है, क्योंकि ये शरीर में आए थे इसलिए मेरा सेवक है। ठीक है, भविष्यवाणी की भाषा में या मैं हूँ जो शरीर में धर के आया हूँ तुम्हारे पास, ये भविष्यवाणी की भाषा है, आप भविष्यवाणी की भाषा को समझें। ठीक है, देखेंगे कि जो 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 राजा जो है यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा था उसने सबूत दिया, हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुरा किया, परंतु वे भी चिल्ला चिल्ला के कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर हाकिम ने कहा कि वो ये गवाही दिया कि ये तो निर्दोष है, इसने क्या पाप किया, लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कहा इसको क्रूस पर चढ़ाओ जहाँ लिखा है, यानी ये हाकिम सबूत दे रहा है कि यीशु निर्दोष है। वो जो है उस समय के महायाजक लोगों ने षड्यंत्र करके यीशु को मारने का चेष्टा किया था। हालेलुया, आप खुद देख सकते हैं, देखिए आप स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत का प्रमाण हम देखते हैं मत्ती 28 का 6 में, वह यहाँ नहीं है जिसे परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए, आओ हम आओ जा स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यानी जब मरियम मगदलीनी इतवार को आई थी तो स्वर्गदूत बोला कि वो यहाँ नहीं है, वो मर के जी उठा, मर के जी उठा मतलब परमेश्वर, आज तक पूरे इतिहास में कोई मर के नहीं जी उठा, लेकिन हमारे इकलौते प्रभु ऐसे हैं जो मर के जी उठे और 40 दिन रहे और फिर वो स्वर्ग उठाए गए। दैट्स वाई वी कॉल हिम परमेश्वर, वी आर नॉट अंधभक्त, इसलिए हम उनको परमेश्वर का दर्जा देते हैं, हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए यीशु को परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, देखिए यहाँ पर यहूदा फिर प्रकाशित वाक्य 5:4 में लिखा है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा उस पुस्तक को खोलने, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, उन प्राचीनों में से यानी स्वर्ग का ये घटना है, और 24 प्राचीन में से एक प्राचीन जो वहाँ आप इसको बाद में हम लोग देखेंगे, कहे यहूदा के गोत्र में वह सिंह जो दाऊद का मूल है, यानी दाऊद का मूल क्या, यीशु, क्योंकि यीशु दाऊद के घराने से आए, वो एक राजा के घराने से आए, यहूदा के गोत्र से, हमने आपको चर्चा किया है। ठीक है, ठीक है, दाऊद के घराने से, ठीक है, तो यहूदा के घराने से वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसके साथ मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ, यानी वो जयवंत हुआ, यानी मर के जो जी उठा वही जयवंत हुआ, वही यीशु मसीह जयवंत हुआ। हालेलुया, आप समझ सकते हैं, आप जो है अब हम देखेंगे शैतान ने ये यीशु की गवाही दी, मरकुस 1:24 उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया, मैं तुझे जानता हूँ तू कौन, परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन यानी यानी पर यानी स्वयं परमेश्वर। ठीक है, और वो शैतान जो दुष्ट आत्मा उस आदमी का शरीर में थी वो शैतान था, वो शैतान ने खुद गवाही दिया कि देखो तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हे भाई बहनों, आप अपना दिमाग खोलिए, समझने की कोशिश करिए, हम लोग इस को अंधभक्ति के तौर से किसी को परमेश्वर नहीं कहते, ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने गवाही दिया, स्वर्गदूत ने गवाही दिया, उस समय का राजा ने गवाही दिया कि ये निर्दोष है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह दोषी थे इसलिए उनको मारा गया, उस समय का राजा ने गवाही दिया ये निर्दोष है। एक जगह और है कि वो हाकिम ने हाथ से पानी धोया, यानी अपने आप को जो है यीशु की मौत से अपने आप को किनारा किया, राजा किसी भी चोर को सजा देने के बाद हाथ से पानी नहीं धोता है,
वो होता है कि हाँ ये चोर है, इसको दंड दिया जाए। लेकिन उस समय का वो राजा जो जो यीशु का सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, उसने हाथ धोया कि मैं इस निर्दोष के लहू से अपने आप को किनारे करता हूँ, इसलिए उसने हाथ धोया। आप अपने पास्टर से, अपने अगुए से आप पूछ सकते हैं ये बात, ठीक है। मरकुस 3:11 में, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती, चिल्लाकर कहती थी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यानी दुष्ट आत्माएं जो है ना, जो शैतान है, वो भी जो है गवाही दिया, ठीक है। मरकुस 5:7 में भी दिया गवाही शैतान ने, ठीक है। अब हम लोग जो है ना, अब हमने बहुत सारा हमने गवाहियों को देख लिया कि जो सबूत परमेश्वर ने दिया, दुष्ट आत्मा ने दिया, स्वर्गदूत ने दिया, हाकिम ने दिया, ठीक है, सब ने दिया। अब हम लोग जो है अपने दूसरे विषय पर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर है। उनके लिए देखिए, आप पहले देखिए क्या लिखा है। यीशु ने कहा मत्ती 16:4 में, यूनुस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, क्योंकि उस समय के लोग कहते थे कि आप हमको कोई चिन्ह दीजिए कि आप परमेश्वर की ओर। तो उन्होंने जैसे यूनुस यानी जोना जो मछली के पेट में 3 दिन तक रहा, उसके बाद मछली ने उसको निकल दिया, इसका मतलब यीशु भी अपने मृत्यु का गवाही दे रहे हैं कि मैं मरूंगा, पृथ्वी के गर्भ में रहूंगा और तीसरे दिन जीव उठूंगा, ठीक है। यही गवाही यीशु ने दिया, यानी अपने बारे में गवाही दिया। आगे भी हम लोग बहुत सारा देखेंगे। मरकुस 9:2 में दिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ों और उसके सामने रूप बदल गया, यानी यीशु का रूप बदल गया। क्या हम अपना रूप बदल सकते हैं? यीशु ने अपना रूप स्वयं बदला, ठीक है, पिता के सामर्थ्य से। पिता तो उनके अंदर थे, इसलिए उनको कोई नहीं चाहिए था कि वो उनके लिए कोई दूसरा रूप का कोई कॉस्ट्यूम लाए, ठीक है। वो जो अपना रूप स्वयं बदल लिए, हालेलुया। यही है यीशु का एक बहुत बड़ा वो है, प्रमाण है यीशु के द्वारा। देखिए क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 22:12-13 में, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, और मैं अल्फा ओमेगा पहला और पिछला आदि और अंत हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ, ठीक है, हर एक के काम के अनुसार बदला दूंगा, मैं अल्फा ओमेगा। ये यीशु स्वयं कह रहे हैं, ये जो है यीशु का स्वयं का गवाही है, ठीक है। आइए हम और देखेंगे, यूहन्ना 14:3 में हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ तुम भी रहो। यानी यीशु मसीह का जब स्वर्ग आरोहण हो रहा था, वहाँ पर कहे कि तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा मैं आकर तुमको ले जाऊँगा। यानी यीशु मसीह स्वयं करे कि मैं जिस प्रकार जा रहा हूँ वैसे ही आकर के तुमको मैं ले जाऊँगा। यही एक मसीह का विश्वास है कि हमारे प्रभु एक दिन आएंगे और हम सबको जहाँ वो स्वर्ग में वहाँ ले जाएंगे, वो पवित्रता का स्वर्ग होगा, ठीक है। मत्ती 17:1-9 में आप देख सकते हैं उनका रूप बदलने का, ये आप देख सकते हैं। देखिए यीशु ने स्वयं कहा, मैं मसीह हूँ। देखिए मत्ती 27 क्या कर रहा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने पूछा, तू क्या यहूदियों का राजा? यीशु ने उसे कहा, आप ही कह रहा है। यानी यहूदियों का राजा यानी वो परमेश्वर, वो तो गरीब थे, ठीक है, लेकिन वो राजा थे परमेश्वर, वो यहूदियों का उद्धार करता राजा थे। और यीशु ने कहा, तुम स्वयं कह रहे हो, यानी यीशु ने खुद कहा कि हाँ मैं हूँ। ये भविष्यवाणी का
शब्द है, इसको आप समझिए। मत्ती 28:18 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। अब ये तो सबसे बड़ा, यीशु ने खुद कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। देखिए, इससे बड़ा और किसी को क्या प्रूफ चाहिए? कोई कहता है कि यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ क्या क्या कहा जा रहा, आप इसको समझिए। ठीक है, यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग यानी उस स्वर्ग का भी अधिकार मुझे है और पृथ्वी का, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर शरीर धर गया आए थे, और इस पृथ्वी का भी उनका सारा अधिकार है। तब ना वो हवा को रोके, पानी को रोके। यीशु ने स्वयं कहा, इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? अब जो लोग को एक जगह अपना निर्धारित कर चुके हैं, वो लोग लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम साफ है, मत्ती 28:20 में लिखा है, और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। देखो यीशु कह रहे, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? कोई रबी या कोई गूगल का सीईओ भी कह सकता हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारा सीईओ, गूगल का सीईओ रहूँगा, क्योंकि सबको मरना है और सबको उसी परमेश्वर के पास जाना है, चाहे वो जिस मत से जाए। वो अगर गलत माध्यम जाएगा तो वो एक जगह जाएगा, सही माध्यम जाएगा तो परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए भाई बहन, हम आप लोग को ये बहुत बड़ा निमंत्रण पत्र दे रहे हैं स्वर्ग जाने का। सब कोई जो सुन रहे हैं, आपके लिए खुला निमंत्रण पत्र है कि आप स्वर्ग का टिकट कटवा ले आज, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अभी भी वो मेरे साथ है। पवित्र आत्मा बनकर हम मेरा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके पास इतना इंफॉर्मेशन लेकर के, और ये सब परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर ने बुद्धि दिया, परमेश्वर ने प्रकट किया, और बस मैं एक माध्यम परमेश्वर का दास हूँ। आप इस बात को समझिए, सारी महिमा यीशु को मिले, उस जीवित परमेश्वर को मिले। हालेलुया। देखिए मरकुस 1:25 में यीशु ने डांट कहा, चुप रहा और उससे निकल जा, यानी यीशु ने दुष्ट शैतान को डांटा, चुप रहा, उससे निकल, उसके शरीर से निकल। यानी यीशु परमेश्वर थे, इसलिए उसने शैतान को डांटा। ये कितना बड़ा प्रूफ है भाई बहन, आप समझिए। ठीक है, दुनिया के सारे भंवर जाल से और गलत शिक्षा से निकलिए, आप अपना बाइबल लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। चाहे एक्स कम्युनिटी से मुझे ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। और वैसे भाई, एक्स कम्युनिटी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप अपना बाइबल लीजिए और आप जो है पढ़िए उसको। अगर आपको कोई सवाल है तो बाइबल नॉलेज फॉर ऑल @gmail.com पे सवाल पूछिए, मैं आपका एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अंडरस्टैंड, सांच को आँच नहीं होता। ठीक है, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है उस सच्चे जीवित परमेश्वर का ने लोगों को आगाह करना, समझे, उस क्योंकि उस परमेश्वर का आना निकट है। ठीक है, इसलिए जितने लोग उस परमेश्वर के नाम से अपना मैला कुचेला गंदा पाप से मरा वस्त्र को धो करके शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, परमेश्वर के राज में जाने के वारिस हो जाए, यही मकसद है इस चैनल का। हालेलुया। वो सारा महिमा उस परमेश्वर को मिले। मरकुस 14:61-62 में लिखा है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे पूछा, क्या तू उस पर धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। देखिए, फरीसी ने कहा, क्या तू उस धन्य का पुत्र मसीह है? तो यीशु ने कहा, मैं मसीह हूँ, इसलिए जय मसीह की कहते हैं। लेकिन अभी जो है, हम लोग वो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं,
वो हमको स्वर्ग ले जाएंगे। वो जो है पुराने नियम में मसीह के बारे में लोग समझते थे कि वो एक राजा आएगा और हमको रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिलाएगा। आप समझे, इसलिए मैंने कहा कि दुनियादारी को लपेट कर मसीह का नाम लेने से दुनियादारी को लपेट कर दिखाया जाता है। लेकिन आप आत्मिक रूप से मसीह का मतलब समझिए, वो हमारे मसीहा हैं पाप से छुड़ाने वाले। हालेलुया। देखिए लूका 2:39 में भी आप पढ़ सकते हैं, लूका 8:28 में पढ़ सकते हैं, यीशु को देखकर चिल्लाया, मैं विनती करता हूँ मुझे पीड़ा ना दे। यानी दुष्ट शैतान जो है यीशु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर के सामने दुष्ट नहीं गिराएगा। देखिए दुनिया में दो ही चीज है, परमेश्वर और शैतान, बीच में तीसरा कोई नहीं है। अगर वो परमेश्वर है तो जो परमेश्वर का विरोध कर रहा है वो शैतान के कैटेगरी में आएगा। हालेलुया। दुनिया में दो ही चीज है, चाहे कोई कितना आप। हालेलुया। लूका 11:29 में 11:29 में भी लिखा है इस युग के लोग ग्यारह का 30 में भी आप पढ़ सकते हैं, लूका 23:43 में उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी यीशु मसीह स्वर्ग के वासी थे, इसलिए उसने उन्होंने चोर को कहा जो उनके साथ मृत्यु के समय जब यीशु मसीह मरे तो मारा जा रहा था तो दो और चोर को उनके राइट और लेफ्ट किया गया था। एक चोर ने विश्वास किया है प्रभु आप आए तो मुझे याद करेगा, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी स्वर्ग में जाने वाला पहला व्यक्ति है चोर, यानी एक पापी। वैसे ही हम भी पापी हैं जो स्वर्ग में जाएंगे, और लेकिन यीशु के नाम से धो करके अपना पाप, जैसे उस पापी ने अपना पश्चाताप किया हे प्रभु तो आप आइएगा तो मुझे मानिएगा, वही उसका पश्चाताप। और आज पश्चाताप करके जो भी है वो स्वर्ग जा सकते, ठीक है। योहन्ना 5:36-40 में देख सकते हैं आप, योहन्ना 6:35 में, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा और वो अनंत जीवन का, तो आप देख सकते हैं योहन्ना 8:23 में देख सकते हैं, योहन्ना 8:51 में देख सकते हैं, फिर मत्ती 5:17 में, मत्ती 10:32 में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और भी बहुत सारा बात है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, समय कम होने के कारण मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ डिफरेंस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। शुक्रिया आपने समय दिया और प्रभु आपको आशीर्वाद। ठीक है भाई बहन, आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जानिए, वही आपको स्वर्ग ले जाएंगे। दुनिया का भंवर जाल से निकलिए, वो सच्चा परमेश्वर पूरी मानव जाति का है। इस कम्युनिटी वाले लोग आप अपना बाइबल खरीदिए और नया नियम पढ़िए और जानिए एक सच्चा जीवित परमेश्वर को। आई सल्यूट यू ऑल। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप आशीष दिए, सुंदर श्रोता का आँख खोलिए, वो एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। थैंक यू भाई बहन। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सहयोग करें और लाइक करें, तब एक नई आत्मा बचाई जाएगी, क्योंकि जितना लाइक करेगा उतना ये वीडियो दूसरे को पहुंचाया जाएगा, ये यूट्यूब पहुंचाएगा। तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल को बढ़ाएं। हमारा टीम चाहती है कि आप हमारा सहयोग करें, और कोई भी हो तो कमेंट में आप सवाल पूछें, और BibleKnowledgeForAll@gmail.com में आप पूछें मेल करके पर्सनल सवाल। ठीक है, सभी को जय मसीह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।